इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। की है जनरल साहब, आप मुझे समझा दें, मुझे शायद समझ नहीं आ रही। हमने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की, हम ये कह चुके थे कि एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होगी। अब हम बातचीत कर रहे हैं, इंडस वाटर कमीशन जो है वो लोग गए हैं बात करने के लिए। अब वज़राए खारजा की मुलाकात मुतवक्के है 30 तारीख को, वहां एक और सेंट्रल एशिया में हो रही है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब का खत आ गया है, बैकडोर चैनल्स की जो दावे छप रहे हैं, ब्लूमबर्ग में छपा है। यानी कम से कम हमने अपने उस एक स्टिफ मौकिफ के ऊपर जहां हमने कहा था कि 370 की बहाली तक बात नहीं होगी, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया है। जनरल साहब, इमरान, ये सिर्फ स्टिफ मौकिफ नहीं था, ये उसूली मौकिफ था जिस पे हमने 72 ईयर्स गुजार दिए हैं। और उस उसूल में अगर कोई आज लचक लेने की कोशिश करता है तो वो मेरे ख्याल में, वो जो कश्मीरी जो 85,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो 12,000 हमारी बेटियां जिनकी इस्मत दरी हो चुकी है, वो 800 स्कूल तलबा जिनको पैलेट गन से ब्लाइंड कर दिया गया है, ये उनके उनको क्या रिलीफ मिला है आज? क्या जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी और जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड था उसमें तब्दीली क्या आई है? आज से 2 महीने पहले तो हमने एक डोसियर भेजा था और ये कहा था कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में मौजूद 66 दहशतगर्दी के कैंपों से हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। क्या उसने वो रोक दी है? क्या कुलभूषण यादव हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है? कौन सी तब्दीली आई है उसने? कश्मीर में क्या सहूलत मुसलमानों को पैदा कर दी है उसने? कौन से वहां पे कर्फ्यू नरम कर दिया है? कौन सी एक्सेस दे दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? मैं समझता हूं कि ये एक लेटर पे इतना फूल जाना जो कि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत यौम आजादी हो या नेशनल डे हो, उस पर ऐसे खतूत लिखे जाते हैं, अगर कोई हेड ऑफ स्टेट बीमार हो तो उसको खैर सगाली का पैगाम सर खाली ये एक लेटर नहीं है ना। जनरल साहब, मैं 2-3 चीजें आपको गिनवा देता हूं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले का, जो एक उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा भूल जाते हैं, सर माजी में इंडिया ने हमें हमेशा रुसवा किया है, इंडिया ने ही हमेशा ज्यादतियां की, हमने तो किया ही कुछ नहीं, तो इंडिया के पास तो भूलने के लिए कुछ नहीं, हमें ही भूलना पड़ेगा माजी अगर भूल जाते हैं तो। अब जनरल साहब ने कहा कि माजी भूल जाते हैं, आगे बढ़ने का वक्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत को अब पहल करनी चाहिए। अब ये रास्ते निकल रहे हैं ना, हम बातचीत के लिए चले, हम पानी पे बात करने जा रहा है तो हमारा वफद तो इंडिया जा रहा है ना सर। और अगर वज़राए खारजा की मुलाकात हो रही है तो बातचीत शुरू हो गई है सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक खत का मामला नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था इमरान, के देखें सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट या यूएई की मुआवनत जो है हमारे वहां पे, मुझे लगता ये है कि उनको एज अ कोर्सिव टूल अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारे 28 लाख मजदूर इन दो ममालिक में रिज्क की तलाश में गए हुए हैं और ये प्रेशर हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि 41 लाख है सर, 4.1 मिलियन जी, हमें कमोबेश 12 अरब डॉलर की वहां से रेमिटेंसेस आती है। एग्जैक्टली तो अगर इस टूल को, कोर्सिव टूल को यूज करके हमसे उन्होंने कोई रियायत लेनी है तो फिर मैं समझता हूं कि इसको नेशनल असेंबली में डिबेट होना चाहिए, सेनेट में डिबेट होना चाहिए। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एक शख्स उठ के ये फैसला कर ले कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था, कल तक तो वो फैशिस्ट रिजीम थी, कल जब आपने उसको कहा था मैं एक कदम बढ़ाऊं, आप एक कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद उसने तो बालाकोट कर दिया था, पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बालाकोट पर हमला कर दिया था, तो उसने तो कभी हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आज उसने एक लेटर लिख दिया, मेरे ख्याल में इसके पीछे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है और वो किसी तरीके से हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत बदनाम हो गया है,
और चाइना ने उसके गिर्द घेरा इतना तंग कर लिया है कि चिटागांग हार्बर चाइना डेवलप कर रहा है, श्रीलंका में कोलंबो हार्बर और हम्बनटोटा चाइना ने डेवलप किया है, नेपाल में चाइना आ गया है, म्यांमार में चाइना आ गया है, जिबूटी में चाइना आ गया है और सीपेक गवादर में चाइना आ गया। तो ये जो घेरा तंग हुआ है इसमें से निकालना, अमेरिका समझता है कि अगर वो हिंदुस्तान को रिलीफ दिलवाएंगे तो वो उनको अपने क्वाड में और इंडो पैसिफिक कमांड में जिन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं हिंदुस्तान उन मकासद पर आमादा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को उठाकर अफगान डायलॉग की टेबल पे भी लाके बिठा दिया है। अच्छा, लेकिन तो रशिया ने अफगान तालिबान नहीं मानते सर, वो इंडिया के साथ बैठ के डायलॉग करते ही नहीं। अभी रशिया के अंदर भी उन्होंने उनको झंडी करवा दिया, फारिग करवाया, अब तुर्की के अंदर भी उनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं होगा। अमेरिका की तो एक कोशिश है ना, तो अमेरिका कर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो पर करते हैं बात। आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले 23 तारीख को एक लेटर लिखा इमरान खान को, और इस लेटर में उनसे मतलब जो पाकिस्तान डे था उसकी उन्हें शुभकामनाएँ दी और भारत पाकिस्तान दोनों के अच्छे रिश्ते हों ऐसी बातें कहीं। उसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इमरान खान जब कोविड पॉजिटिव हुए थे तो उनकी जल्द से जल्द रिकवरी के लिए कामना की और ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। और उसके पहले DGMO लेवल पर भारत और पाकिस्तान की आर्मी की बातचीत हुई, और उसके पहले कमर जावेद बाजवा का बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था माजी को भूलकर हम दोनों देशों को एक साथ काम करना चाहिए और संबंध बनाने चाहिए। तो दोस्तों कमर जावेद बाजवा इमरान खान से ज़्यादा पावरफुल इंसान है पाकिस्तान में, ये तो आपको भी पता है। तो ये था मतलब पाकिस्तान मीडिया में एक न्यूज़ बनी हुई है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं। आपको बता दें भारत पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हुए हैं पुलवामा अटैक के बाद से, उसके पहले कुछ हद तक ठीक थे लेकिन अच्छे नहीं थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इनिशिएटिव, आपको बता दें इसके पीछे की वजह बताई जा रही है UAE के शेख मोहम्मद बिन जायद से प्राइम मिनिस्टर मोदी की अच्छी खासी दोस्ती है और वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि UAE में भारत पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी में अंतर दिखता है और टेंशन बनी रहती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो पाएगी, क्या रिश्ते अच्छे हो पाएंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस तरीके की ज़्यादातर खबरें भारत मीडिया में नहीं दिख रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया में दिख रही हैं। तो इस तरीके की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में दिख रही हैं इसका रीज़न भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। और भारत पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट मैचेस की भी न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया में दिख रही है, तो पाकिस्तानी मीडिया इस टॉपिक को लेकर कुछ ओवर एक्साइटेड लग रहा है। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।